डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सम कमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज। तो कमर्शियल सेल या बैटरीज जो है एक अरेंजमेंट ऑफ गैल्वेनिक सेल है विच इज़ यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स। तो गैल्वेनिक सेल जो आपने पढ़ा है पहले, जिसमें बेस जो होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन रहती है और उसमें केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो हमें देखना ये है कि हमें उसको एज ए कमर्शियल सेल यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो गैल्वेनिक सेल आपने इस तरह से देखा है पहले, और इसको हम कमर्शियल सेल के तौर पर यूज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ रहती है इसके हैंडलिंग या यूज़ में, तो वो आपको नोट कर लेना है। एक है इसमें हाई इंटरनल रेजिस्टेंस ड्यू टू साल्ट ब्रिज। तो इसमें क्योंकि साल्ट ब्रिज होता है, उसकी वजह से कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहती है। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं और इधर से आयंस उतना अच्छे से फ्लो नहीं होते, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। और अगला पॉइंट है कि इसमें लैक ऑफ कॉम्पैक्टनेस। कॉम्पैक्टनेस का मतलब है कि ये कॉम्पैक्ट नहीं है, ये चारों तरफ से बंद नहीं है, इसमें पोर्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो इस वजह से जो ऑर्डिनरी गैल्वेनिक सेल जो आपने पहले पढ़ा है, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द कमर्शियल पर्पस। तो कमर्शियल पर्पस में यूज़ करने के लिए सेल के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स होती है वो देखते हैं। तो पहले आपको ये नोट कर लेना है कि बैटरी इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ गैल्वेनिक सेल यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स। तो ये गैल्वेनिक सेल का एक अरेंजमेंट है जिसको हम एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज़ करने वाले हैं। तो और आगे देखते हैं इसके लिए क्या कंडीशंस रहती है या रिक्वायरमेंट्स, ताकि वो मार्केट में सेल करने लायक बन जाए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इट शुड बी लाइट एंड कॉम्पैक्ट। वो लाइट वेट होना चाहिए और कॉम्पैक्ट होना चाहिए, उसमें कहीं कोई सॉल्यूशन गिरने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और उसको ईजिली एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पॉसिबल हो। और सेकेंड है, इट शुड हैव लॉन्ग लाइफ व्हेन यूज़। जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसकी लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो कुछ दिनों बाद ही वो डेड हो जाए। और व्हेन नॉट इन यूज़, अगर हमने उसको अभी यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है तो वो पड़े पड़े ख़राब ना हो, इस तरह से भी उसकी लाइफ जो है काफ़ी लॉन्ग होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट है, वोल्टेज शुड नॉट वेरी ड्यूरिंग यूज़। उसका यूज़ करते वक्त वोल्टेज जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको नोट करनी है ताकि वो सेल कमर्शियली जो है वो यूज़ हो सके। आगे हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ कमर्शियल सेल। तो कमर्शियल सेल को मेनली थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं प्राइमरी सेल, दूसरा सेकेंडरी, और एक तीसरे होते हैं फ्यूल सेल। तो प्राइमरी सेल्स वो होते हैं जिसमें रिएक्शन टेक प्लेस ओनली वंस एंड सेल बिकम डेड आफ्टर सम टाइम, जिसमें रिएक्शन एक ही बार होती है और कुछ समय बाद सेल जो है वो हमेशा के लिए डेड हो जाता है। मीन्स कि दीज आर नॉट रिचार्जेबल, मतलब कि ये दोबारा से इसको रिचार्ज करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको इसके एग्जांपल देख लेने हैं। एक तो हम इसमें डिस्कस करेंगे ड्राई सेल, और एक दूसरा होगा मर्करी सेल, और सेकंड जो कैटेगरी है सेल की वो है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल जो होता है इसमें करंट पास करके इनको रीचार्ज करना पॉसिबल होता है और ये एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल होगा वो होगा, एक है लेड स्टोरेज बैटरी और एक होता है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। इनको हम करंट पास करके दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं और इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं। और एक होते हैं फ्यूल सेल, जिसमें एनर्जी जो है प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कम्बस्चन ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स जैसे आप कार्बन मोनोऑक्साइड ले सकते हैं, मीथेन ले सकते हैं, हाइड्रोजन ले सकते हैं। तो इनके कम्बस्चन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कम्बस्चन का मतलब होता है कि हम उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, उसमें बर्न करेंगे और उस एनर्जी को डायरेक्टली आप इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएँ, तो इस तरह के सेल होते हैं फ्यूल सेल। तो इसका जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जिसको हम आगे स्टडी भी करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि यहां पर मेनली ड्राई सेल, मर्करी सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, एक निकल कैडमियम स्टोरेज सेल और एक है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो इन सभी को हमें डिटेल में आगे स्टडी करना है। बस आपको याद ये रखना है कि जो भी सेल हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी कैटेगरी में आता है, कि वो प्राइमरी है कि हमेशा बाद में डेड हो जाएगा, या वो सेकेंडरी है या फ्यूल सेल है। तो हम इनको आगे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ड्राई सेल, जो प्राइमरी सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या है कि कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ लेक्लेंचे सेल है ये।
तो लिगलिनचे सेल ही बोलते हैं इसको, और इसमें जिंक होता है एनोड और ग्रेफाइट रॉड जो होती है वो कैथोड है। तो आप इसमें देखिए यहाँ पर जिंक जो है इसका कंटेनर जो है वो जिंक से बना है, जो किसका काम करता है एनोड का जो यहाँ पर लिखा है, और ये जो ग्रेफाइट रॉड है ये इसमें काम करेगी एज ए कैथोड और ये बेस को टच नहीं कर रही है। और यहाँ पर इसके चारों तरफ जो है MnO2 प्लस कार्बन जो है उसका फिलिंग किया जाता है, और उसके आगे जो यहाँ पर एक पेस्ट बना के डाला जाता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। तो इसमें ये जरूर याद रखना है कि इसमें एनोड क्या है, कैथोड क्या है, और रिएक्शंस जो हैं वो किस तरह से होती हैं, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें फिल किए हैं MnO2 अमोनियम क्लोराइड वगैरह, तो ये सब जो हैं इनका क्या यूज़ है। तो सबसे पहले हम रिएक्शंस देख लेते हैं। तो एट एनोड तो रिएक्शन जो है वो सबको पता है कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। तो इसमें क्या होगा, जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जिंक टू पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो एक सिंपल रिएक्शन हो गई एनोड की ऑक्सीडेशन की। और आगे देखते हैं कैथोड की क्या रिएक्शन होती है, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होती है। तो इसमें रिडक्शन किसकी होती है, MnO2 की, जो कार्बन यहाँ पर फिल किया गया है उसके साथ है, जो कैथोड के साथ। तो कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, तो ये आप समझिए MnO2 और इसमें जो अमोनियम क्लोराइड फिल किया है उसका अमोनियम आयन हम ले लेते हैं, और क्योंकि कैथोड पर क्या होने वाला है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे हम रिडक्शन के लिए। और यहाँ पर जो MnO2 है वो चेंज हो जाता है Mn2O3 में, और इसमें होता है एक अमोनिया गैस इसमें रिलीज होती है, और यहाँ पर क्या होगा, H2O भी होगा। तो हम देख लेते हैं रिएक्शन बैलेंस हुई नहीं या नहीं हुई है, ये गैसियस स्टेट में है ये लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, Mn2O3 है तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, तो 3 और एक वाटर है तो एक उसमें ऑक्सीजन है, तो ये 4 हो गया। ये 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, जीरो चार्ज है, और उधर भी क्या है, जीरो चार्ज है। तो इस तरह से ये कैथोड की रिएक्शन होगी। आप इन दोनों को ऐड करके ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो इस सेल में आपको ये एनोड और कैथोड की रिएक्शन बतानी है। एक आपको ये बताना कि इस सेल को ऑपरेट करने से हमें कितना वोल्टेज मिलती है, तो वो 1.25 से 1.50 तक की रेंज में रहती है। और इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं जो यहाँ पर आपको नोटिस कर रहे होंगे कि अमोनिया गैस, अगर अमोनिया गैस इसमें से लीक होने लगे तो सेल जो है वो क्रैक हो सकता है, तो इसका क्या होगा। एक यहाँ पर ये भी है, आपने डाला है इसमें जिंक क्लोराइड जो अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ जिंक क्लोराइड इन ड्राई सेल, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और दोनों का एक ही आंसर है। ये दो क्वेश्चन जो मैंने बोले हैं, अमोनिया गैस जो होती है वो यहाँ पर क्या होती है, इस सेल से एस्केप नहीं होती, बल्कि जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेती है। तो वो ऐसा एक कंपाउंड बनता है ZnNH3 2Cl2, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं जो सोल्युबल होते हैं। तो जिंक क्लोराइड जो है अमोनिया गैस के साथ क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और इस तरह से ये अमोनिया गैस यहाँ से लीक नहीं होती है। और इसी तरह से आपको ये भी समझ में आ गया व्हाट इज़ द रोल ऑफ जिंक क्लोराइड इन ड्राई सेल। और आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे नोटिस करना है, एक ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई ए ड्राई सेल बिकम डेड इवन इफ इट हैज़ नॉट बीन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबे टाइम तक इसको यूज़ ना करें तो ये डेड क्यों हो जाता है। तो उसका सिंपल आंसर ये है कि अमोनियम क्लोराइड जो इसमें होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, जो इसके जिंक के कंटेनर को कोरोड्स कर देता है। कोरोजन का एक टॉपिक है जो हम आगे पढ़ेंगे, उसका मतलब होता है जंग लगना, तो उसकी वजह से ये धीरे धीरे जिंक कंटेनर को ख़राब कर देता है। तो इस सेल को अगर आप काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं भी करते तो भी वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि विच इलेक्ट्रोलाइट इज़ यूज इन ड्राई सेल, तो वो तो आप अमोनियम, ये मैगनीज डाइऑक्साइड कार्बन और अमोनियम क्लोराइड लिख सकते हैं उसका आंसर। और एक MnO2 के बारे में एक और क्वेश्चन आता है कि MnO2, ये मल्टीपल चॉइस में आपको देखने को मिलेगा, एक्ट एज ए डीपोलराइजर,
डीपोलराइज़र का मतलब यहाँ पर होता है कि वो रिड्यूस हो जाता है, इसमें से जो हाइड्रोजन रिलीज होती है उसको रिमूव करने के काम आता है MnO2। तो रिड्यूस हो जाता है का मतलब क्या है कि उसकी रिडक्शन हो जाती है। अगर आप यहाँ पर देखें MnO2 जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +4 और यहाँ पर आ रही है +3। तो ऑक्सीडेशन जब स्टेट जब डिक्रीज होती है तो क्या होता है, रिडक्शन होती है, और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी पता चल रहा है। तो इसमें जो हाइड्रोजन रिलीज होगी, हाइड्रोजन भी क्या करती है, रिडक्शन करती है। तो इस तरह से इसको कहा जाता है कि इट एक्ट एज ए डीपोलराइजर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से इस सेल को आपको अच्छे से समझ लेना है। आगे देख लेते हैं मर्करी सेल। तो मर्करी सेल क्या है, इट इज़ यूज्ड इन स्मॉल डिवाइसेस लाइक हेयरिंग एड्स, वॉचेस। तो छोटी छोटी चीज़ों में इसका यूज़ होता है, जो छोटे डिवाइसेस होते हैं। इसमें जिंक जो है वो एनोड का काम करता है और ग्रेफाइट रोड जो है वो कैथोड का काम करेगी, और HgO जो है ये मर्करी ऑक्साइड है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ये एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होते हैं। और इसका आप एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हैं। आपने सुना होगा कि इसको एक बटन सेल भी बोला जाता है। तो इस तरह से इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट होगा और ये ग्रेफाइट, ये कार्बन की रोड हो जाएगी। और इसमें रिएक्शंस जो हैं ये आपको ज़रूर देखनी है। तो हम रिएक्शंस लिख देते हैं पहले एट एनोड। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी। तो ऑक्सीडेशन जो है वो किसकी होती है, जिंक की होती है। और ये इसमें OH जो नेगेटिव आयन है इनका काफ़ी रोल रहता है। तो इसमें OH नेगेटिव से रिएक्ट करके ये बना देगा जिंक ऑक्साइड, प्लस इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज होंगे। और यहाँ क्योंकि H है तो इसमें वाटर भी होगा। तो यहाँ पर मैं पहले H2O लिख देता हूँ और फिर 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है और 2 नेगेटिव चार्ज है, तो वो भी यहाँ पर है। तो ये होगी एनोड की रिएक्शन। तो अब देखते हैं कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी। कैथोड पर क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो इसमें मर्करिक ऑक्साइड जो है उसकी रिडक्शन होने वाली है, तो वो HgO होगा। और उसमें जो ये इधर यहाँ पर निकला है तो यही हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, उससे आपको लर्न करना जो है वो इजी हो जाएगा। और यहाँ पर बनेगा क्या, मर्करी बनेगा इस केस में। और उसके अलावा क्या होगा, ये 2OH इधर था, इसमें 2OH नेगेटिव इधर होगा। तो मुझे लगता है कि रिएक्शन जो है ये आपको लर्न करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें एनोड और कैथोड की रिएक्शन जो है आपको लर्न करनी है। और इसमें ध्यान रखना है कि OH नेगेटिव, तो इसमें क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि ये कॉन्स्टेंट वोल्टेज देता रहता है बहुत लंबे टाइम तक और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो उसका रीज़न ये है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जितना इसमें कंज्यूम होता है उतना ही क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज़ नहीं हो रहा है, यूज़ हो रहा है पर उतना ही वो क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो जाता है। तो वो खर्च नहीं होता एक तरह से। तो इस तरह से इसकी बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग लाइफ रहती है। और इसमें आपको ये भी लर्न कर लेना है कि इससे वोल्टेज कितनी मिलती है, तो वो है 1.35। एक आपको ये भी याद रखना है कि इसको रॉबिन मैलोरी सेल भी बोलते हैं, तो वो भी आपने लर्न कर लेना है। तो इस तरह से ये है मर्करी सेल। आगे स्टडी करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, जो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होती है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका सेटअप कुछ इस तरह से होता है कि इसमें लेड जो है वो एज एनोड और लेड ऑक्साइड जो है वो एज कैथोड होगा। तो यहाँ पर एक एनोड और एक कैथोड लगाया है, तो ये 2 वोल्ट का एक अरेंजमेंट है। तो इस तरह से ये 3 टाइम्स लगाया है, तो ये एक 6 वोल्ट का बैटरी जो है आपको नज़र आ रही है। एक्चुअली ये 12 वोल्ट की होती है, इसमें आगे इस तरह से रिपीट कर दिया जाता है इसको। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो रहेगा वो क्या रहेगा, H2SO4 इसमें फिल किया जाता है, वो 38% बाई मास होता है और उसका डेंसिटी जो है 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो एनोड जो लेड है इस पर ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड जो है लेड ऑक्साइड जो है इस पर क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो हम इसकी रिएक्शंस को देख लेते हैं। तो लेड स्टोरेज बैटरी में देखते हैं एट एनोड क्या रिएक्शन होती है। एनोड पर क्या होगा, लेड, तो लेड जो है और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फेट आयन तो होंगे ही होंगे। सल्फेट क्या होता है, 2 नेगेटिव, तो यहाँ बनेगा क्या, लेड सल्फेट, और 2 नेगेटिव है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर
शो कर देंगे, और ये रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, ये भी आपको पता है। और कैथोड पर जो है वो क्या यूज़ करने वाले हैं हम, कैथोड पर होगा लेड ऑक्साइड, तो लेड ऑक्साइड ये लिख लेते हैं। और आपको याद रखना है कि सल्फेट आयन दोनों साइड होंगे, ये एनोड पर भी होंगे और कैथोड पर भी होंगे जो सल्फ्यूरिक एसिड में होते हैं। और ये कैटायन जो है सल्फ्यूरिक एसिड से, यहाँ पर एच पॉजिटिव भी आपको लेना है, और क्योंकि ये कैथोड पर रिडक्शन करने वाले हैं तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आपको शो करना है। और बनेगा क्या, बनेगा तो यही लेड सल्फेट ही दोनों केसेस में। इसको थोड़ा बैलेंस करना है, ये इसमें क्या होगा कि ये टू इलेक्ट्रॉन, ये टू नेगेटिव और टू नेगेटिव फोर नेगेटिव, तो यहाँ पर हम कर देंगे फोर पॉजिटिव। तो इस तरह से पी बी एस ओ फोर हो गया ये, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ये, और ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O आ जाएगा इस तरीके से। और क्योंकि H4 है तो यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये रिएक्शंस जो हमने लिखी हैं, ये लेड स्टोरेज बैटरी जब डिस्चार्ज हो रही है, जब वो करंट दे रही है, तो उस वक्त की रिएक्शन है। और इसमें एक आपको ओवरऑल रिएक्शन भी ज़रूर लिखनी है, वो भी याद रखना है। ओवरऑल रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे, जस्ट इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट में ऐड कर देते हैं, ये पी बी प्लस क्या होगा, पी बी ओ टू, और इसमें क्या होगा, टू सल्फेट आयन हो जाएंगे, और एच पॉजिटिव भी हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, और टू क्या हो जाएगा, पी बी एस ओ फोर, और टू यहाँ पर क्या आएगा, एच टू ओ। तो ये रिएक्शन एक ओवरऑल रिएक्शन है। और यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जब रिचार्ज करेंगे, रिचार्जिंग के वक्त आपको याद रखना है, रिएक्शन टेक प्लेस रिवर्स ऑफ अबो, जो भी ऊपर रिएक्शन हो रही है जस्ट उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये आपको ज़रूर यहाँ पर मेंशन करना है। एक क्वेश्चन ये आता है कि लेड स्टोरेज बैटरी को रिचार्ज करना पॉसिबल क्यों है, तो आपको कहना है कि लेड सल्फेट जो डिकम्पोज होता है, लेड सल्फेट जो फॉर्म होता है वो डिकम्पोज हो सकता है दोबारा करंट पास करने से, तो इसलिए इसको रिचार्ज करना पॉसिबल होता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का डेंसिटी क्या हो जाएगी जो इसमें डाला है, क्योंकि इसमें वाटर फॉर्मेशन होती है, तो सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी जो है इसमें क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से आपको इसकी रिएक्शंस जो हैं और डायग्राम, ये लेड स्टोरेज बैटरी का जरूर कर लेना है। आगे देखते हैं निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, इसको निकाट सेल भी बोला जाता है। तो इसमें आपको लर्न करना है कि कैडमियम जो है वो एज एनोड रहेगा, और निकल ऑक्साइड जो है वो एज कैथोड काम करेगा, और KOH जो है वो रहेगा एज इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले आप इसमें रिएक्शंस देख लेते हैं। तो एनोड जो है वो, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन किसकी होने वाली है इसमें, कैडमियम की। तो रिएक्शन इस तरीके से हो जाएगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट है OH नेगेटिव, तो वो यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर आपको लर्न करना है कि इसमें हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो मैंने पहले मर्करी सेल कराया था उसमें भी इस तरह से OH यूज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ पर उसमें ऑक्साइड बना था। तो आप कंपेरिजन करके रिएक्शंस जो हैं ईजिली लर्न कर पाएंगे। और क्योंकि ऑक्सीडेशन है तो उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, ये टू नेगेटिव, यहाँ पर टू नेगेटिव लिखा है। तो इस तरह से रिएक्शन रहेगी एनोड पर, और कैथोड पर क्या रिएक्शन रहेगी, कैथोड पे क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाली है, तो वो किसकी होगी, निकल ऑक्साइड की। तो निकल ऑक्साइड जो है इसमें यहाँ पर वाटर, और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें वाटर भी यूज़ होगा, और यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए हमें आगे टू लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर बनेगा क्या, पहले की तरह निकल हाइड्रोक्साइड, और जैसे इसमें टू OH यहाँ पर यूज़ होते हैं, और इसमें यहाँ पर टू OH पहले की तरह प्रोड्यूस हो जाएंगे, जैसा कि मर्करी सेल में था। तो आपको देखना है कि रिएक्शन बैलेंस हुई है या नहीं हुई है। इसमें हाइड्रोजन यहाँ फोर हैं, और इसमें टू यहाँ पर हैं, और टू यहाँ पर हैं। तो इस तरीके से रिएक्शन ये बैलेंस हो गई होगी, क्योंकि ऑक्सीजन भी यहाँ टू और टू कितने हैं, फोर हैं, और ऑक्सीजन यहाँ भी टू और टू यहाँ पर हैं, तो फोर हैं, और ये टू नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी टू नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से आपको एनोड और कैथोड की रिएक्शन कर लेनी है। और एक आपको ये नोट करना है कि वोल्टेज इससे अप्रोक्सीमेटली कितनी मिलती है, तो वो है 1.4 वोल्ट। और इसके यूजेस जो हैं वो कहाँ होते हैं,
स्मॉल डिवाइसेस में, मोबाइल में या और कैलकुलेटर वगैरह में, हालांकि मोबाइल में इसका यूज़ नहीं होता है क्योंकि काफ़ी टाइम से लिथियम आयन बैटरी वगैरह जो हैं वो जो लेटेस्ट आ गई हैं वो यूज़ होने लगी हैं, लेकिन फिर भी आपको निकल कैडमियम स्टोरेज सेल जो है इस तरह से लर्न कर लेना है। इसके बाद है फ्यूल सेल, जो हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।